आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में लागू किया गया है, इसके अंतर्गत युवा शक्ति को कोरोना मुक्त भारत बनाने हेतु जोड़ने का कार्य करना है, जिसमें शासन द्वारा सभी प्राध्यापकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इसी तात्रम में रीवा के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अपने स्टूडेंट्स को 100% वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित किया गया। डॉक्टर शानली कुंदर व डॉक्टर अंजना सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्राओं के छोटे छोटे समूहों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए स्टूडेंट्स को मास्टर ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान सभी मास्टर ट्रेनर को कोरोना से संबंधित विभिन्न नियमों, कोविड ऐप व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेशन, त्रुटि सुधार समिस्पष्ट, टीकाकरण केंद्रों की जानकारी, कोविड संदेश ऐप टीकाकरण से संबंधित विभिन्न भ्रांतियों पर चर्चा हुई। मास्टर ट्रेनिंग का कार्य पहले स्टेप में 18 से 30 जून तक किया जाना है, जिससे 100% कोविड का टीकाकरण शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जा सके। कोरोना मुक्ति की आप लोग वॉलेंटियर बनी हैं, कैसे संचालित करेंगे इसको? जी सर, मेरा नाम कंचन पटेल है। सर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को, छात्र छात्राओं को, हर विद्यालय के छात्र छात्राओं को ट्रेन किया जाएगा और वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे जो उनके मतलब लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि इससे लोगों की डेथ हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसको दूर करने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए और भी कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने के लिए हम एज अ वॉलेंटियर काम करेंगे। बहुत सी छात्राएं मास्क नहीं लगाती हैं, क्या उसके लिए मैसेज देंगे? वो उन्हें समझाया जाए कि आप मास्क लगाओगे तो लोगों से डिस्टेंसिंग रखोगे, इससे आपको कोरोना नहीं होगा, इससे आप सेफ रहोगे, खुद तो सेव रहोगे, दूसरों को भी सेव रखोगे। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति द्वारा आज अभियान शुरू किया गया है, क्या है ये अभियान? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत हम अपने युवाओं को कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके लिए राज्य शासन ने पहले हम सभी प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा का चयन किया और प्राध्यापकों को ट्रेनिंग दी है। अब प्राध्यापक अपने लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर छात्रों छात्राओं छात्र छात्राओं को बुलाकर उनको ट्रेनर बनाएगी, मास्टर ट्रेनर, और वो मास्टर ट्रेनर समाज में जाके दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम करेंगे। पहला बिंदु है कि किस तरीके से हम कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको 100% कराएँ। इसके प्रति लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो हमको किस अपने तरीके समझाइश दे के घर के बुजुर्गों को, गाँव को, गाँव वालों को समझाइश दे दे के एक एक को खींच कर हमको टीका लगवाना है। जब टीकाकरण हो जाएगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी पोलियो मुक्त हुआ है भारत और युवाओं के द्वारा ही। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है डॉक्टर शालिनी कुंदे। मैं इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद में और NSS के रूप में कार्य करती हूँ।